आप जो थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल देख के चौक मच जाइए, क्योंकि ये वाली वॉच जो है ऑलरेडी ये वीडियो अपलोडेड है, तो आप हमारे पेज पे जाके देख सकते हो। तो उसी सेम वेरिएंट्स में मेरे पास दो और वॉच थी जो कि मुझे मिला, तो मैं सोचा चलिए ये दो वॉच को भी मैं अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। खास करके ये वॉच उनके लिए होने वाला है जिनका नैरो डिस्ट है, उनके लिए परफेक्ट होने वाला है और बहुत ही कम प्राइस रेंज में, बेसिक प्राइस रेंज है दोस्तों और क्वार्ट्ज मूवमेंट है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों आप सभी को वेलकम है एक नए वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं नया नया वीडियो लाता रहता हूँ, आप तक पहुँचता रहेगा दोस्तों। तो चलिए मैं बात करता हूँ वॉच के बारे में। तो मेरे पास ये दो वॉच है जो कि एक लेदर में आपको मिलने वाली है और एक मिलने वाली है आपको मेटल स्ट्रैप में, सेम केस है, सेम डिज़ाइन है, जस्ट एक लेदर में है और एक आपकी ब्लैक में, दोनों ही ब्लैक में है लेकिन एक मेटल स्ट्रैप में एक लेदर में है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं दोस्तों दोनों का। पहले प्राइस रेंज और मॉडल नंबर की बात कर लेते। जो मेटल वाली है कि वेरिएंट नंबर होने वाली है आपकी, मतलब डिज़ाइन नंबर है 1884 NM01। इसकी प्राइस रेंज है 3895 और एक है मेरे पास 1884 NL01, इसकी प्राइस रेंज है 3495, जो कि ऑलरेडी जो मैंने फर्स्ट में बोला कि अपलोडेड है थंबनेल वाली वॉच, वो 3595 ऑलरेडी अपलोडेड है, वो मुझे सिंगल मिला था इसलिए मैंने सिंगल अपलोड किया था। तो दोस्तों दोनों वॉच की बात कर ले तो देखिए दोनों का बॉक्स के इनसाइड में आपको एकदम वॉच मिल रहा है, प्लास्टिक रैपर, एक सुंदर सा पिलो है। और बात करें तो दोनों में आपको पेपर वर्क एक ही मिलने वाला है, क्योंकि मैं सभी वीडियो में बताता हूँ कि देखिए ये है एक्चुअली ऑनलाइन कैसे वारंटी रजिस्ट्रेशन करोगे, वो सारे डिटेल दी गई है। आप ऐप के थ्रू भी वारंटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या वेबसाइट के थ्रू भी आप वारंटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोनों के लिए अलग अलग QR कोड है और ये एक पेपर है जिसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, क्या क्या वारंटी गारंटी कैसे हैंडल करनी है वॉच को, ये सारी डिटेल दी गई है। तो आप इस पेपर को जरूर पढ़ लें एक बार। ये एक्चुअली रही मेन स्ट्रैप वाली वॉच जो कि मेटल में थी और ये है आपके लेदर में, और लेदर वाली भी एक्चुअली बहुत यूनिक लग रहा है और उतनी प्राइस रेंज कम होने के कारण भी मैं फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये लेदर स्ट्रैप ना उतना मतलब लोअर क्वालिटी की नहीं है, थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी की लेदर दी गई है। और मेरे कलाई के हिसाब से देखिए वॉच थोड़ी छोटी लग रही है क्योंकि मेरी रिस्ट जो है थोड़ी चौड़ी है। तो दोस्तों इसकी केस की साइज के बारे में हम बात करें तो इसकी केस की जो साइज है दोस्तों 40.3 मिलीमीटर इसकी केस की साइज है। इसकी दोस्तों थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस जो है 7.85 mm होने वाली है। प्ले है इसमें फंक्शंस और 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंस होने वाला है। और दोस्तों एक बार नज़दीक से दिखा दीजिए, जो कि स्टील वाली में बहुत ही क्लियर दिख रही थी। जो आपकी मिनट रिंग जो है वो कर्व बनाया गया है और प्रोफाइल क्राउन भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिए, शायद ब्लैक है उतना क्लियर ना दिखे। इसमें प्रोफाइल क्राउन दी गई है और क्राउन और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि इस क्राउन के ऊपर में टाइटन की लोगो दी गई है और स्केलेटन हैंड्स है इसके इनसाइड में, और मल्टी लेयर डायल भी मिलने वाला है। स्ट्रैप की बात करें तो मेस और लेदर तो मिल ही रहा है, रिवर्स स्टिच है, थोड़ा सा कैजुअल और फॉर्मल दोनों के साथ ही जाएगा ये, और डायल साइज तो बहुत ही। और यहाँ दिखा दीजिए, ये देखिए 50 मीटर वाटर रेसेंस है। इसकी लेदर की जो साइज़ है ये 20 mm है, तो स्टील वाले की भी 20 mm ही थी और ब्लैक वाले की 20, मतलब तीनों ही एक ही केस में बनाई गई, एक ही डिज़ाइन है, जस्ट कलर अलग अलग मिलने वाला है। तो आप अगर परचेज करना चाहते हो तो इसमें आपको टोटल तीन कलर मिलेंगे, जो कि एक स्टील ब्लैक और एक ब्लैक के साथ ग्रे कलर की लेदर स्ट्रैप में मिलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये वॉच कैसी लगी। अगर ये वॉच आप परचेज करना चाहते हो तो हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।